हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे। मैं हूँ आपका दोस्त साजिद अलवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फ्रंट के लिए काफ़ी सुंदर और काफ़ी क्रिएटिव सा एक नेक डिज़ाइन, और इस नेक को बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको नेक को बनाना बताते हैं। तो इस नेक डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पर हमने ली है अपनी एक बुकरम। हमारे पास यहाँ पर काफ़ी लंबी छोटी बुकरम है, तो पहले हम आपको उसका साइज़ बताएंगे, फिर आपको उसकी कटिंग करना बताएंगे। तो बुकरम को मैंने फोल्ड किया और हमारी बुकरम की जो लंबाई है, यहाँ पर हमने लंबाई रखी है करीब 8 इंच, और फोल्ड करने के बाद जिसकी चौड़ाई है वो चौड़ाई हमने रखी है अपने तीरे के अकॉर्डिंग। मतलब जितना चौड़ा आपका तीरा है उतना ही हमने यहाँ पर अपना ये बुकरम लिया है। तो हमारा बुकरम का साइज़ है यहाँ पर करीब 7.5 इंच, 7.5 इंच। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपना एक निशान लगाना है नेक की लंबाई का और नेक की चौड़ाई का। तो यहाँ पर हम अपने नेक की चौड़ाई रखेंगे 9 इंच, 9 1/2 होगा 4.5 इंच। ऐसे यहाँ पर एक मार्क लगाएंगे। अब निशान लगाएंगे नेक की लंबाई का, हम नेक की लंबाई रखेंगे 3.5 इंच, 3.5 इंच ऐसे, और इसको यहाँ पर एक शेप देंगे। ये हमने यहाँ पर ऐसे शेप दी। अब शेप देने के बाद अब आपको यहाँ पर इसमें नीचे की तरफ कुछ यहाँ पर और कुछ यहाँ पर इसमें आपको ड्रॉप नेक बनाना है। तो ड्रॉप नेक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको डायरेक्टली इस पर कट नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरीके से आपका शेप बराबर नहीं बनेगा। हम क्या करेंगे, पहले तो हम एक अलग से बुकरम लेंगे, इसको हम बुकरम को ऐसे फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद ड्रॉप शेप को हम यहाँ पर कट करेंगे। लंबाई आप रख सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम इसकी लंबाई रख लेते हैं अपने ड्रॉप शेप की करीब 3 इंच रख लेते हैं, और इसको हम यहाँ पर ऐसे शेप देंगे इस प्रकार से, और इसको कट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमने अपनी ड्रॉप शेप यहाँ पे ऐसे कट किया। अब आपको क्या करना है, इस ड्रॉप शेप को आपको इसको ऐसे फोल्ड करना है। फोल्ड करके आपको नेक के सेंटर में यहाँ पर ऐसे रखना है इस तरीके से, और इसकी यहाँ पर शेप बनानी है। तो ये शेप आपकी यहाँ पे एक बीची हुई। अब आपको इसी प्रकार का एक मार्क इसके बराबर में यहाँ पर लगाना है, लेकिन उसके लिए आपको उसको ऐसे खोलना होगा। ऐसे खोलेंगे हम इसको, और जहाँ पे ये आपका सेट आए आपको यहाँ पे इसको अच्छे से जमा के, ऐसे जमा के आपको यहाँ पर अब ये मार्क लगाना है। इसमें टोटली आपके 3 ड्रॉप नेक शेप बनेंगे। देखिए दोस्तों, एक शेप आपकी ये रही, एक ये रही, और एक इसके नीचे जस्ट यहाँ पर बनेगी। तो हम क्या करेंगे, अब आपको उसको कटिंग करना है। कटिंग करने के लिए पहले इसको आपका नेक कट करना पड़ेगा। अब हम इसको नीचे कट करेंगे, फिर आपको इसको कट करना बताएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमने इसको कट किया। अब ये कट करने के बाद अब आपको इसके बराबर से अपनी एक्स्ट्रा बुकरम को यहाँ पे निकाल देना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये आपका सिंपल सा काफ़ी क्रिएटिव यहाँ पे नेक कट हो चुका है। अब हम आपको क्या करना है, अब आपको इस नेक को सिंपली आपने एक कपड़े में अटैच करना है। फिर कपड़े में अटैच करके इस नेक को हम अपनी कुर्ती में आपको जोड़ना बताएंगे। तो ये हमने अपने नेक को बनाने के लिए कपड़ा लिया है। पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जिस तरह की नेक की शेप है, आपको नेक की शेप के हिसाब से आप इसमें सिलाई लगानी है, ताकि आप कप नेक कपड़े पर अटैच हो जाए। फिर इस कपड़े को बराबर से नेक के ऊपर फोल्ड करेंगे। फिर इस नेक को तैयार करने के बाद हम आपको इस नेक को अपनी कुर्ती में अटैच करना बताएंगे। तो चलिए इसमें हम अपनी सिलाई लगाते हैं। तो ये हमने नेक को तैयार किया। अब इस नेक को हम आपको कुर्ती में अटैच करना बताएंगे। तो अब हम अपनी कुर्ती का आगे वाला हिस्सा लेंगे। ये हमारा कुर्ती का फ्रंट पार्ट है।
आपको इसमें यहाँ पर बीच में कट लगाना है ताकि आपको नेक को अटैच करने में आसानी हो। उसको हम खोल देंगे। अब आपको इस नेक को अपने कुर्ते ऊपर से रखना है। नॉर्मली से हम अपने हर एक नेक को बनाते हैं इसी प्रकार से, ऊपर से और नीचे सेंटर मिला लेना अच्छे से। और इसके बाद में आपको अपने पूरे गले पर भुगम के बराबर में सिलाई लगानी है। यहाँ पर इस प्रकार से सिलाई लगेगी आपकी। सिलाई लगाने के बाद हम इसका बेस का कपड़ा कट करेंगे, फिर इस नेक को बाहर से अंदर की तरफ पलट देंगे। पहले एक सिलाई इसके बीच में लगा देते हैं ताकि आपको आसानी हो। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने नेक का बराबर से कपड़ा कट किया। यहाँ पर हमने थोड़ा कपड़ा छोड़ दिया है और बचे हुए कपड़े में यहाँ पर हमने इसे छोटे छोटे कट लगाए हैं। अब आपको उस नेक को बाहर से अंदर की तरफ पलटना है। इस प्रकार से उसको हम पलटेंगे। और पलटने के बाद यहाँ पे जो ये आपका ये पॉइंट है जहाँ पर आपकी नोक है, नोक को आपको यहाँ पर किसी बारीक चीज़ से आपको इसको यहाँ पर ऐसे बाहर कर देना है ताकि इसमें अच्छी फिनिशिंग आए ऐसे। या फिर आप यहाँ पे सुई की मदद से भी इस नोक को ऐसे अच्छे से बाहर निकाल सकते हो। ये सुई से आपकी नोक काफ़ी अच्छे से बाहर निकल जाती है, काफ़ी बारीक सी। देखिए हमने सुई की मदद से एक बारीक नोक यहाँ पे आपकी बाहर निकाल दी है। इसी प्रकार से जो आपके जितने पॉइंट है बाकी के, हम इनको भी पलट देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने नेक को यहाँ पर अच्छे से पलट दिया। अपने नेक पलटने के बाद अब आपको उसके बराबर में यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगानी है ताकि नेक आपका ऐसे ही जमा रहे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा नेक यहाँ पे ऐसे तैयार हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस नेक में पाइपिंग लगानी है। पाइपिंग लगाने के लिए पहले हम यहाँ पर जो आपके ये राउंड है आपको इस राउंड में पाइपिंग लगाना बताएंगे अलग अलग करके। फिर इन तीनों पार्ट में अलग अलग पाइपिंग लगाने के बाद हम एक ही पट्टी से आपको इस पूरे नेक में पाइपिंग लगाना बताएंगे। तो चलिए पहले हम अपने इन पॉइंट में पाइपिंग लगा देते हैं। पाइपिंग लगाने के लिए यहाँ पर हमने ली है अपनी एक उरे पट्टी। तो आपको क्या करना है, आपको अपने किसी भी एक पॉइंट में यहाँ पर पट्टी को से रखना है उरे पट्टी को। और जिस तरीके से हम अपनी नॉर्मल पाइपिंग बनाते हैं, आपको यहाँ पर इस पट्टी को अटैच करके यहाँ पे पाइपिंग बना देनी है। ये देखिए, ये हमने पट्टी अटैच की। अब आपको इस पट्टी को बाहर से अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करना है और इसके बराबर में सिलाई लगानी है ताकि ये पाइपिंग आपके यहाँ पर ऐसे ही जम जाए। ये देखिए दोस्तों, ये हमने नेक में अपनी पॉइंट में यहाँ पाइपिंग लगा दी। इस प्रकार से काफ़ी सुंदर सी आपके यहाँ पर ये पाइपिंग बनी है। हम आपको दिखा देते हैं अच्छे तरीके से।
ये काफ़ी फिनिशिंग से काफ़ी सुंदर हमने आप हमारे यहाँ पे पाइपिंग बनी है। इसी प्रकार से ये जो आपके बाकी का पॉइंट है आपको इनमें पाइपिंग बनानी है, फिर हम आपको इसके पूरे एक नेक में पाइपिंग बनाना बताएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने अपने तीनों पॉइंट्स में यहाँ पर ऐसे पाइपिंग लगा दी है, लेकिन अभी ये हमारे तीनों पॉइंट्स यहाँ पर ऐसे अलग अलग हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर पाइपिंग लगाएंगे और पाइपिंग लगा कर इन तीनों पॉइंट्स को आपस में अटैच करेंगे। तो चलिए आपको पाइपिंग लगाना बताते हैं। तो पाइपिंग लगाने के लिए यहाँ पर हम फिर से ऐसी पट्टी का यूज़ करेंगे, इसको हम यहाँ पर ऐसे अटैच करेंगे सीधी तरफ और उल्टी तरफ से इसमें सिलाई लगाना शुरू करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमने अभी अपनी एक पॉइंट में यहाँ पर सिलाई लगाई है। अब इसी प्रकार से ये जो आपका दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, इस दूसरे पॉइंट को आप लोग आपको यहाँ पर ऐसे रखना है और इसको एक ही सिलाई में आपको इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे मिला देना है। तो ये देखिए, ये हमने तीनों पॉइंट्स को यहाँ पर ऐसे मिलाकर सिलाई लगा दी है। अब हम इसको ऐसे सीधे तरफ से इस पट्टी को बाहर से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और आपकी पाइपिंग यहाँ पर ऐसे बन जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने अपने पूरे नेक पर ऐसे पाइपिंग लगा दी है। पाइपिंग लगाने के साथ साथ ये हमने अपने पॉइंट्स पर कुछ बटन भी लगाए हैं, और बटन लगने के बाद ये जो आपका नेक डिज़ाइन है बन के तैयार हो चुका है। काफ़ी सिंपल और काफ़ी क्रिएटिव ये हमारा नेक डिज़ाइन है, और हमें उम्मीद है कि आप हमारा डिज़ाइन जो दोबारा कर ले। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने अपने नेक में यहाँ पर सिंपल ही पाइपिंग लगा दी है, और पाइपिंग लगाने के साथ साथ ये हमने अपने पॉइंट्स पर कुछ बटन भी लगाए हैं, और बटन लगने के बाद ये जो हमारा नेक डिज़ाइन है बन के तैयार हो चुका है। काफ़ी सिंपल और काफ़ी क्रिएटिव हमारा नेक डिज़ाइन है, और जो बिगिनर्स है मतलब जिनको सिलाई करना बहुत ही कम आता है वो भी इस नेक को अपने लिए बहुत ही ईजिली बना सकते हैं। और हमें उम्मीद है कि हमारा जो नेक डिज़ाइन है आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और यहाँ पर आकर हमारा जो डिज़ाइन है और हमारा जो वीडियो बन के पूरा होता है। और इसके बाद भी अगर आपको हमारी पूरी इस वीडियो में अगर कुछ भी सीखने में कुछ परेशानी तो आप हमें कमेंट करें, और आपको हमारा डिजाइन और हमारा वीडियो कैसा लगा ये सब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दें और घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू, वेलकम अगेन।